सो हेलो गाइस, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर स्टेटस देखा है तो हम वही स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है जल्दी से। चैनल पर नए हो तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए न्यू न्यू स्टाइल में न्यू न्यू वीडियो डेली आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो गाइस दिन में 2 वीडियो डेली मेरी आती है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारी वीडियो बनी है हिंदी सॉन्ग पे, तिमली सॉन्ग पे, आदिवासी सॉन्ग पे, और बहुत सारे हैप्पी बर्थडे पे भी बने हुए वीडियो, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा स्टेटस बनाने के लिए आपको क्या करना है गाइस, एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो जितना भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो आपको एक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और दूसरा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए गाइस हम आगे की प्रोसेस करते हैं। लाइट मोशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्रोजेक्ट की लिंक मिलेगी, सो दोनों प्रोजेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मेरे इस लाइट मोशन में जो भी डाउनलोड किया है लाइट मोशन में इनपुट कर लेना है। और अगर लाइट मोशन में इनपुट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर एक वीडियो की लिंक है, तो उस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस अब ओपन करते हैं हम हमारा इस एलाइट मोशन। तो जैसे एलाइट मोशन को ओपन करेंगे गाइस आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4th नंबर पर मिल रहा है यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन, तो प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे गाइस, तो जो भी बीटमार्क वाला प्रोजेक्ट है उसे ओपन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, उसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर सॉन्ग मिलेगा और आपको रेड कलर में बीट लगी हुई मिलेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इफेक्ट लगाना है, सॉरी गाइस फोटो लगाना है। तो फोटो लगाने के लिए क्या करना है, नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्लस का आइकन, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस का आइकन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये मीडिया का आइकन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखा हुआ आएगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर ओपन होकर आ जाएंगे। जिस फोल्डर में भी आपके पास फोटो है उस फोल्डर को ओपन कर लो, या फिर अगर फोटो नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहाँ पर आपको 4K HD में फ़ोटो मिल जाएगी, तो ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो चलिए फ्रेंड मैं आप फोटो लगा के बताता हूँ। किसी भी फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो वाले फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद फोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन में करना है, तो ऊपर 3 डॉट दिख रही है इस पर क्लिक करना है, और 5वें नंबर पर मिलेगा फिल कंपोजिशन एरिया, उस पर क्लिक करके आपको इस तीर के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर सेम प्रोसेस करना है दूसरी फोटो लगाने के लिए भी, और इस तरह से आपको कट करके फ़ोटो लगा लेना है, ठीक है गाइस। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया के आइकन पर, उसके बाद फोटो पर क्लिक कर देना है, ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ क्लिक करना, और 5वें नंबर पर मिलेगा फिल कंपोजिशन एरिया, उसके बाद आपको इस तीर के निशान पर क्लिक करना है, इस कट के ऑप्शन पर, और फोटो को लगा देना है। तो मैं सारी फोटो इस तरह से आपको लगा के बता देता हूँ। ओके गाइस, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी फोटो यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, स्टेप बाई स्टेप सारी फोटो लगा दिया हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक चले जाना है। ओके गाइस, फोटो लगाने के बाद बैक जाना है और टेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाली जो फर्स्ट फोटो है उस फोटो पर क्लिक करना है, सॉरी गाइस लास्ट वाली फोटो पर आ जाना है, लास्ट वाली फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है गाइस, और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उतना करने के बाद आपको बैक जाना है और बीटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए, उसके बाद आपको जाना है आगे इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, आगे कहाँ तक जाना है आप देख लीजिए, 7.628 सेकंड पे आना है। ओके गाइस, 6.28 सेकंड पे, और इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, और पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से वाला इफेक्ट लगकर तैयार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे कहीं भी इस तरह की बड़ी फोटो नहीं आ रही तो यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने का फिर से एक इफेक्ट को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद गाइस आपको जो भी ये सेकंड वाली फ़ोटो दिख रही है उसे छोड़ देना और फर्स्ट वाली फ़ोटो पर आपको आ जाना है। फर्स्ट वाली फ़ोटो पर आने के बाद फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको फिर से बैक जाना है और बीटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है।
उसे ओपन करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर स्क्रॉल करना है और इस फर्स्ट वाली फोटो पर इस तरह से क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, फिर सेकंड वाली फ़ोटो पर भी इस तरह से इफेक्ट लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जितनी फ़ोटो पर भी इफेक्ट लगा रहा हूँ उतनी फ़ोटो पर आपको भी इस तरह से इफेक्ट लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2.10 सेकंड पे फोटो देख लीजिए, ये वाली फ़ोटो, इस फोटो को छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस फोटो को छोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, जो भी छोटी फोटो से आगे बड़ी फोटो आ रही है उस फोटो को छोड़ना है, फिर जो फोटो आ रही 2.27 सेकंड उस फोटो पर भी ये वाला इफेक्ट लगा देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से हम ये वाला इफेक्ट लगा रहे हैं, सॉरी गाइस, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख देख के लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस तरह से लगा देता हूँ, यहाँ पर एक बार और प्ले करके बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से, तो यहाँ पर हमने ये वाली फ़ोटो है, इस पर ये वाला इफेक्ट नहीं लगाना। ठीक है गाइस, ये वाली फ़ोटो है, यहाँ पर 4.12 सेकंड पे इस फोटो को भी छोड़ देना है। 4.12 सेकंड पे फोटो छोड़ने के बाद आगे आएगी आपको 5 सेकंड पे फोटो, तो उस फोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख देख के सारी फ़ोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा लेना है इस तरह से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर यहाँ तक लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ बड़ी फ़ोटो पर हमने पहले लगा दिया, तो इस फोटो को छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इस फोटो पर क्लिक करना है इस तरह से, सॉरी गाइस, इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और इस तरह से वाला इफेक्ट लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करके मैं देखता हूँ, इस तरह से इफेक्ट लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, इस फोटो पर भी इफेक्ट यही वाला लगा देना है। उसके बाद आपको जो अगली फोटो आ रही है ना गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस फोटो पर 10.58 सेकंड पे, तो इस फोटो को छोड़ना है और आगे जो भी ये फोटो आ रही है इन फोटो पर इफेक्ट लगा देना। तो जो भी पानी की आवाज़ जैसा सॉन्ग बीच आएगा उस फोटो को छोड़ देना है आपको। ओके फ्रेंड्स, सॉरी गाइस, ये दूसरी फोटो का इफेक्ट लग रहा है हमारे पास, तो इफेक्ट गलत कॉपी होकर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से आपको वही वाला इफेक्ट लगा के बताता हूँ, यहाँ पर जो लगाया हमने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इफेक्ट लगा हुआ है हमारा, तो यहाँ से हमारा ये इफेक्ट कॉपी हो चुका है दूसरा, तो इस इफेक्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जो भी यहाँ से हमारी गलती हुई है गाइस इस तरह से, तो इन फोटो पर भी ये वाला इफेक्ट लगा देंगे। यहाँ से हमने गलत इफेक्ट कॉपी करके लगा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली फर्स्ट वाली फ़ोटो पर भी लगा दिया हमने। फिर इसके बाद जो फोटो आ रही है ये 10.28 सेकंड इस फोटो को छोड़ना है और आगे 11.14 सेकंड पर आ रही है उस फोटो पर भी ये वाला इफेक्ट लगाना है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारी फोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम सारी फोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा लेते हैं और एक एक फ़ोटो छोड़ते हैं। अब यहाँ 13.2 सेकंड वाली फ़ोटो को छोड़ना है और आगे जो भी फोटो आ रही है उन फोटो पर इफेक्ट लगा देते हैं। तो मैं इसी तरह से आपको लास्ट तक इफेक्ट लगा के बता देता हूँ। सो गाइस, मैंने इस तरह से सारा इफेक्ट लगा दिया हूँ, यहाँ पर लास्ट तक इफेक्ट लगा दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से बैक जाना है और बैक जाने के बाद आपको फिर से एक इफेक्ट को ओपन करना है। उसका जो बीच वाली फ़ोटो आ रही है गाइस, बीच वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक जाना है और बीच से बीच मास्क को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरह से आगे आना है गाइस और यहाँ पर 2.10 सेकंड पे जो फोटो है उस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो सिंपली गाइस जितनी फ़ोटो भी हमने छोड़ी है ना गाइस उतनी फ़ोटो पर ही वाला इफेक्ट लगेगा, बाकी जो भी फोटो पर हमने पहले से इफेक्ट लगा दिया है उन फोटो पर ही वाला इफेक्ट नहीं लगेगा। तो जो भी जितनी भी फ़ोटो छोड़ रहे हैं हम छोड़े थे वो सब फोटो पर ही वाला इफेक्ट अभी लगा देना। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये वाली फ़ोटो छुपी हुई है, इस वाली फ़ोटो पर भी इस तरह से इफेक्ट लगा देते हैं। तो अब मैं सारी फ़ोटो पर इस तरह से इफेक्ट लगा दूंगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर भी ये वाली फ़ोटो छुपी हुई है, तो इस तरह से मैं एंड तक ये वाला इफेक्ट लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इफेक्ट लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ये वाली फ़ोटो, तो इस तरह से मैं जितनी भी फ़ोटो छोड़ा हूँ सारी फ़ोटो पर इफेक्ट लगा रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह से इफेक्ट लगा लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी हेल्प करूँगा। तो इस तरह से मैंने एंड तक इफेक्ट लगा दिया, आप देख सकते हो। ओके गाइस, उसके बाद आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी गाइस। तो ऊपर फिर यहाँ पर मिलेगा तीर का निशान, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब